अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद। बाइक सवार दो लोगों ने युवक पर झोंका फायर। घर के बाहर खड़े युवक पर हुआ जानलेवा हमला। कमर को छूते हुए निकली गोली। मौके पर पहुंची पुलिस को मिला एक जिंदा कारतूस। थाना शहादतगंज के लकड़ मंडी क्षेत्र का ये मामला है। इंडिया समाचार के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से मोनू वर्मा की ये रिपोर्ट। क्या नाम है मोहम्मद लतीफ। क्या हुआ है सर? मैं अपने घर पे सफाई कर रहा था 3-4 दिन से पिछले, चूंकि लास्ट 2 अप्रैल को मेरी मदर की डेथ हो गई थी और 16 अप्रैल को मेरी बहन की डेथ हो गई थी, जिसमें कुछ लोग संदिग्ध थे। उसके लिए हमने कंप्लेन की, उसका पोस्टमार्टम हुआ था, सब कुछ तो विवाद चल रहा था। और मेरा बहनों ये हबीब और शान मोहम्मद अकील, ये सब लोग जो है कई दिनों से घर पे भी घुसने के प्रयास किए। मैंने यहाँ पे थाने पे, चौकी पे, कमिश्नर साहब के वहाँ एप्लीकेशनें भी दी, सब कुछ दे रखा है और ये सब चीज़ें जाँच शायद चल रही है, ये यहाँ पुलिस लोग सब बता पाएंगे। तो मैं अपने घर पे सफाई कर रहा था सर, आज सफाई करके जैसे ही मैं लॉक करके लॉक ही कर रहा था तो पीछे से ग्राम से आवाज़ आई। पलट के देखा तो शान और हबीब मोटरसाइकिल से भागते हुए दिखे। तो फायरिंग हुई थी आपको? जी फायर हुई, मोहल्ले के सब लोगों ने सुना और मोहल्ले में जो भी CCTV है उसमें भी जरूर आया होगा। पुलिस को दी, 100 नंबर पे बात नहीं हुई, बाकी पुलिस लोग आए, पूरी मदद कर रहे हैं हमारी। किसी प्रकार का कारतूस या वहाँ पे? हाँ, कारतूस वगैरह मिला है और सब चीजें हैं। तो पहले सिपाही और दरोगा साहब पहुँचे थे, फिर इंस्पेक्टर साहब भी पहुँचे। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला है कि जो भी है कार्रवाई बहुत मजबूत करेंगे। इससे पहले भी आप पे कोई हमला हो चुका? घर पे हमारे घुसने और कब्जा करने सर प्रयास किए थे, लेकिन मैं नहीं था घर पे, मेरी पत्नी थी और उससे पहले भी कई बार प्रयास कर मकान का क्या विवाद चल रहा है? हाँ, मकान का एक्चुअली मैं अपने माता पिता का अकेला लड़का हूँ, मेरा बहनों ही हबीब है, पुलिस का मुखबिर भी है और कई लोगों से सब जो है जुड़ा हुआ है। किस थाने से मुखबिर है? यही सादतगंज में ही और वहाँ जट्टी चौकी और कई लोगों से। मोहम्मद हबीब नाम है उसका। क्या आपको लगता है कि पुलिस को बचाने में जुटेगी? मे भी